हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फोटोशॉप के नेक्स्ट टूल है क्लोन स्टैम्प टूल, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर में दो टूल हैं, क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न टूल। तो क्लोन स्टैम्प टूल भी सेम हीलिंग ब्रश टूल जैसा ही है। ये जो हीलिंग ब्रश टूल है, इसी के जैसा ये क्लोन स्टैम्प टूल भी है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारा जो भी अपडेटेड वीडियो आया वो आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इमेज ले लेते हैं और कुछ एक न्यू पेज ले लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू पेज ले लेंगे, कोई सा भी आप ले सकते हैं जैसा आपको चाहिए। ये पेज ले लेते हैं और यहाँ पर हम कुछ इमेज ले लेते हैं, जिस पर प्रैक्टिस करके मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले मैं यहाँ से एक इमेज लेता हूँ, जिस पर आपको मैं पहले वाले वीडियो में कुछ रह गया था उसके बारे में बताऊँगा, और कुछ इमेज जो मैं यहाँ से डाउनलोड किया हूँ उस इमेज को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। देख लेते हैं कौन सा इमेज था, ये था। इस दोनों इमेज को ले लेते हैं। हीलिंग ब्रश टूल में क्या करते थे कि हीलिंग ब्रश टूल लेते थे, अल्ट के साथ यहाँ पर इमेज को पिक करते थे और उसके बाद यहाँ पर उसे पेस्ट करते थे या ड्रॉ करते थे। सेम वही काम करना है, लेकिन इसमें एक अंतर है। हीलिंग ब्रश टूल क्या करते हैं, जैसे ये हमारा हीलिंग ब्रश टूल है, इसे हम यहाँ से लिए और यहाँ से सिंपल लेते हैं, अल्ट प्रेस करके और यहाँ पर क्लिक करके सिंपल ले लिए। अब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर ड्रॉ हो गया। अब फिर से अगर हम साइड में ड्रॉ करेंगे तो फिर से वहीं से शुरुआत हो रहा है इसका। तो हीलिंग ब्रश टूल से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी एक बार हम पिक कर लिए किसी पिक्चर को, उसके बाद हम उसी एरिया को हम कई बार ड्रॉ कर सकते थे, देखिए। लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल में ऐसा नहीं है। क्लोन स्टैम्प टूल में इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं। तो उसके लिए आप कंट्रोल अल्ट और जेड प्रेस कीजिएगा तो वो हो जाएगा। अब क्लोन स्टैम्प टूल को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए, जैसे हम किसी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर एक प्रॉपर्टी बार यहाँ पर ओपन होता है। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको कैसा ब्रश लेना है उस ब्रश का ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मोड है, मोड में बहुत सारा ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप सिर्फ टूल को समझिए। यहाँ से ओपेसिटी है, फ्लो है, इसे मैं अभी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल लिए, अब यहाँ से हम पिक करते हैं इमेज को, अल्ट प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से इसे हम पिक कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, इसे ड्रॉ किए, अब फिर से हम यहाँ पर साइड में ड्रॉ करेंगे तो क्या हो रहा है, वही इमेज ड्रॉ हो रहा है। अब इधर जैसे हम इधर बढ़ाएंगे तो देखिए वही इमेज ड्रॉ हो गया। तो इससे क्या होता है कि जहाँ से हम पिक किए एक बार पूरा इमेज पिक हो गया, अब इससे हम पूरा इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही एरिया को हम बार बार क्या कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों अंतर है कि हम हीलिंग ब्रश टूल में एक एरिया को हम पिक करके कई बार ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हमें क्लोन स्टैम्प टूल में बार बार यही काम करना है। तो हमको बार बार इस एरिया को क्या करना है, पिक करना है, उसके बाद ड्रॉ करना है, फिर से यहाँ पर पिक करेंगे और ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। यहाँ साइड में देखिए, साइड वाले को यहाँ पर हम पिक करते हैं और उसके बाद ड्रॉ करते हैं, यहाँ ड्रॉ किए, यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो ये पूरा इमेज यहाँ पर जो हम पिक हुआ है वो ड्रॉ होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, हम इसको एक पेज पे करके आपको बताते हैं। यहाँ से कंट्रोल पहले जेड कर देते हैं सबको, ठीक है। इस एरिया को हम यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ से पिक कर लिए, हमारा जो पेज है वहाँ पे जाते हैं हम। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर कोई दूसरा न्यू पेज लेते हैं, यहाँ पर HD क्वालिटी का लेंगे, ये वाला ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। अभी इस पेज पर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे से हम लिए थे उस इमेज पर, तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। आप देखिए ड्रॉ कीजिएगा तो ये इमेज यहाँ पर आपको, ठीक है। अब फिर इमेज छोड़ दिया, फिर से ड्रॉ करेंगे तो बस ये जितना इमेज ड्रॉ हो गया उसके बाद से जितना बचा हुआ वही इमेज ड्रॉ होगा, बार बार वही इमेज ड्रॉ नहीं होगा, एक बार में एक ही इमेज ड्रॉ होगा। तो ये था काम क्लोन स्टैम्प टूल का, कि हमें एक बार किसी पिक्चर को यहाँ पर पिक कर लिए और उसे कहीं और जाके ड्रॉ कर सकते हैं एक ही बार में। और इससे क्या होता है, इसमें प्रोसेसिंग नहीं होता। जैसे हम हीलिंग ब्रश टूल में अगर कुछ ड्रॉ करते थे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग करता था, उसके बाद हमें रिजल्ट देता था, लेकिन ये जैसे ही ड्रॉ करते हैं वैसे रिजल्ट देता हुआ चला जाता है।
तो ये कुछ अंतर है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कौन से टूल से हमें कहाँ पे काम करना। तो ये क्लोन और स्टैम्प टूल के बारे में समझ गए क्या, आप किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, किसी इमेज को पिक करके और एक ही बार ड्रो कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है हमारा हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल में हम देखिए और क्या कर सकते हैं, आपको कुछ यहाँ पे बताते हैं कि एक बार हम पिक करते हैं उसी जो पिक एरिया है उसको बार बार हम ड्रो कर सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। एक इमेज ले लेते हैं, ये इमेज फुल स्क्रीन कर लेते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इस इमेज में देखिए बहुत सारे दाग धब्बे हैं, इसे हमें इन दोनों टूल के यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। पहला है हीलिंग ब्रश टूल, इसे मैं बाद में कर, पहले क्लोन स्टैम्प टूल मिले जाते हैं। और इसका यहाँ से जैसे हमें ये सब हटाना है तो क्या करेंगे, जो क्लियर एरिया है जहाँ पर दाग धब्बे नहीं उस एरिया को हम यहाँ से क्या करेंगे, पिक करेंगे। इस एरिया को पिक किए, अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ किए, फिर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो क्या हो रहा है, अब जो पूरा इमेज पिक हो गया था, अब इसे अगर ड्रॉ करेंगे तो पूरा इमेज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पिक होगा। तो इस टूल के द्वारा हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, तो इसका काम हम कर सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल है, इसे लेते हैं और इस एरिया को हम पिक कर लेते हैं। इस एरिया को पिक कर लिए, अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ का देखिए जो एरिया हम पिक किए हैं वो एरिया वहाँ पे, तो क्या हो रहा है, ये वाला यहाँ पे जिस एरिया को पिक किए थे वो यहाँ पे ड्रो हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप एक अच्छे एरिया को ले सकते हैं, यहाँ पे इस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं, इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से ब्रश भी देख लीजिए आपको कैसा ब्रश चाहिए, चाहिए हार्डनेस चाहिए कैसा चाहिए, उस तरीके का लेके उसके बाद आप यहाँ पर ड्रो करेंगे। ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ से जितना भी है वो दाग धब्बे वो क्या होगा यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगा, वो एरिया यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है उसके ऊपर। तो देखिए इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा प्रोसेसिंग ज़्यादा होता है, थोड़ा सिस्टम अगर पावरफुल रहेगा तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग ये जल्दी करेगा। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट दे रहा है। तो हीलिंग ब्रश टूल का इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर लें जल्दी से जल्दी। उसके बाद और भी टूल के बारे में आप सीखना चाहते हैं, ऊपर जितने भी टूल है उसके बारे में वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन, वीडियो के ऊपर जो आई बटन होता है वहाँ पे दे दूंगा, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जहाँ होता है वहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा दाग है, इसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये उस एरिया को यहाँ फिल कर देता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कौन से टूल को कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अब इस इमेज को हटाते हैं, अब चलते हैं कहीं और, इस इमेज पे आते हैं। इस इमेज पे क्या कर सकते हैं, क्लोन और स्टैम्प टूल लेंगे और इसे पिक करेंगे। ठीक है, इसे हम पिक करेंगे, ये जो बोट हमारा है, उसके बाद इस ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेंगे कि वही एरिया यहाँ पर ड्रॉ हो। उसके बाद इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से इधर भी ड्रॉ कर लेंगे जहाँ तक हमारा बोट है। ठीक है, और छोटा करना, और छोटा कर लीजिएगा, इस तरीके से हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसे। तो इस तरीके से देखिए आप किसी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें देखिए इस तरीके से आप किसी भी एरिया को पिक करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है कि तो ड्रॉ करने के बाद क्या लग रहा है कि जो दूसरा यहाँ पर इमेज हम ड्रॉ किए थे वो इमेज भी ऐसा लग रहा है कि इसी पिक्चर में बना हुआ था, लेकिन हम क्या किए थे, इसे पहले यहाँ से पिक किए थे और यहाँ ड्रॉ किए थे। यही काम आप हीलिंग ब्रश टूल से भी कर सकते हैं, इसी इमेज को आप पिक कीजिए और यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हम पिक करके ड्रॉ करते हैं उसे क्या करता है, थोड़ा सा लाइट करके हमें देता है। जब प्रोसेसिंग करने के बाद वो यहाँ पर ड्रॉ होता है तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो अगर एग्जैक्ट एरिया को एग्जैक्ट जैसा अगर हमें कहीं पर ड्रॉ करना है तो हम क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ करेंगे।
ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद क्रोन स्टेम टूल में दूसरा ऑप्शन है पैटर्न। पैटर्न के बारे में हम जान लेते हैं कि पैटर्न के बारे में हम यहाँ पे जाने थे, पैच टूल में जाने थे पैटर्न के बारे में कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं इस पैटर्न पैटर्न स्टेम टूल ये वाला पेज लेते हैं, इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं खाली। अब यहाँ पर जैसे यहाँ से पैटर्न लेंगे, उसके बाद पैटर्न में बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, फ्लो है, ओपेसिटी है, तो पैटर्न के अंदर बहुत सारे पैटर्न है, पैटर्न को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप कहीं ड्रॉ कीजिएगा तो वो पैटर्न क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। अब क्या हो रहा है ये देखिए, थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, तो आप यहाँ से इसका ब्रश भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ जाके आप ब्रश ले लीजिए, कोई इस तरीके का ब्रश लीजिए, उसके बाद इसका जो साइज है यहाँ से हम बढ़ा लेंगे और उसके बाद इसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जो इसका एज है, जो साइड साइड है वो क्लियर दिख रहा है मतलब, और इसमें क्या हो रहा है वो थोड़ा सा इसमें ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या थोड़ा साइड साइड फेदर आ रहा है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट होता हुआ वो दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और पैटर्न का एक और काम है। अब पैटर्न का दूसरा काम मैं आपको बताता हूँ, किसी एरिया में फिल करना है। इसे हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, यहाँ से हम सिलेक्शन टूल लेते हैं कोई सा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। अब हम पैटर्न को जब भी ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पैटर्न टूल लेते हैं और यहाँ ड्रॉ करेंगे बाहर, तो बाहर ड्रॉ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्शन के बाद आप उसी एरिया के अंदर ही काम कर सकते हैं। अब इस एरिया के अंदर हम जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये ड्रॉ होगा। तो आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे सिलेक्शन हैं, उस सिलेक्शन को आप लेके और इसके अंदर आप पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से पेन टूल है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से लासो टूल है उसके अंदर भी बहुत सारे सिलेक्शन टूल है, उससे भी सेलेक्ट करके आप इस पैटर्न टूल का यूज कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद इसमें बहुत सारे पैटर्न आपको मिल जाएंगे, यहाँ देखिए ये प्रकार के पैटर्न हैं, यहाँ से लेके सब आप पैटर्न यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओपेसिटी और फ्लो। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन एरिया है, ठीक, इसे हम हटा देते हैं, कंट्रोल अल्ट जेड आप इसमें प्रेस कीजिएगा तब एक से ज़्यादा बार ये अंडू होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब यहाँ से हम ओपेसिटी कम करते हैं, अब यहाँ से फ्लो करते हैं, देखिए अब क्या हो रहा है, ये 48% ओपेसिटी में ही ड्रो हो रहा है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कैसा दिखाना है, थोड़ा सा लाइट दिखाना है तो यहाँ ओपेसिटी कम कर दीजिए, थोड़ा सा डार्क दिखाना है तो यहाँ ओपेसिटी आप बढ़ा दीजिए। अब यहाँ से हम इसका ओपेसिटी हम फुल कर देते हैं और इसे कर देते हैं कंट्रोल जेड। अब यहाँ से हम फ्लो इसका कर देते हैं कम, आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है कि फ्लो अगर कम किए तो उसी चीज़ को अगर ये भी थोड़ा सा लाइट ड्रॉ हो रहा है, देखिए इस तरीके से लाइट ड्रॉ हो रहा है, लेकिन फिर से हम इसके ऊपर अगर ड्रॉ करेंगे तो वो फिर क्लियर इमेज आने लगेगा। देखिए एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ, इसे हम ब्रश को बड़ा कर देते हैं, आप यहां से भी ब्रश को बड़ा कर सकते हैं या कीबोर्ड में जो ब्रैकेट का बटन होता है बड़ी ब्रैकेट उससे आप कर सकते हैं, ओपन ब्रैकेट से आप इसे छोटा कर सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट बड़ी क्लोज ब्रैकेट से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। तो बड़ा कर लेते हैं, अब एक बार क्लिक करते हैं तो देखिए किस तरह से हमको हल्का सा यहाँ पर यह फील हुआ है। अब फिर इसी पर क्लिक करते हैं फिर थोड़ा सा दिखने लगा है, फिर थोड़ा सा और दिखने लगा है। और तो फ्लो का यूज आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, जितना कम कीजिएगा उतना आपको बार बार उस पर काम करना पड़ेगा। अगर फॉलो बढ़ा दिए तो एक बार में वो पूरा क्लियर दिखने लगेगा। तो इस एरिया को देखिए, हम यहाँ पर 3-4 बार यहाँ पर ब्रश किए हैं या फिल किए हैं या ड्रॉ किए हैं तब जाके ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बार किए हैं तो उस तरीके से आ गया। तो फ्लो आप ओपेसिटी के बारे में आप समझ गए होंगे और यहाँ पर पैटर्न टूल के बारे में आप समझ गए होंगे, कहीं भी पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से इमेज ले लेते हैं पीएनजी इमेज, उसके बैकग्राउंड में अगर हमें इमेज ड्रॉ करना है तो हम ले लेते हैं इमेज, और यहाँ पर मान लीजिए इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे ड्रॉ होगा, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इमेज पे ही ड्रॉ हो जाएगा, देखिए ये इमेज पे ही ड्रॉ हो जाएगा इसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, जब बैकग्राउंड में आपको पैटर्नों को ड्रॉ करना है तो यहाँ से कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल अल्ट जेड कीजिए, ठीक है, कंट्रोल जेड कीजिएगा तो एक ही बार अंडू होगा, कंट्रोल अल्ट जेड कीजिएगा तो एक से ज़्यादा बार यहाँ पर अंडो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर पर रहते हुए यहाँ से एक न्यू लेयर लेंगे, नीचे देखिए एक न्यू लेयर का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप ले लीजिएगा। न्यू लेयर लेने के बाद आपको ये जो लेयर लिए हैं आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब इसे ड्रॉ कीजिए, अब आप बोलिएगा कि ये भी तो ऊपर में ही ड्रॉ हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये ऊपर में
ड्रॉ हो रहा है लेकिन हम इसे नीचे कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम ड्रॉ कर लिए। अब जो ऊपर वाला ये जो लेयर है, लेयर वन, इसे पकड़ के हम नीचे ड्रैग करेंगे। अब समझ में आया आपको कि ये लेयर जो ऊपर है इसे जैसे हम नीचे किए तो क्या हो गया, जो हमारा मेन इमेज है उसके पीछे चला गया, तो ये बैकग्राउंड में इस तरीके से फिल हो गया। अब बैकग्राउंड में हमें जैसा चाहिए उस तरीके का यहाँ से हम फिल कर सकते हैं। देखिए जैसा पैटर्न चाहिए, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसे पहले ही पीछे कर दें तो ये भी काम कर सकते हैं। इसे हम यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट लेयर करते हैं, ओके। यहाँ से एक न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद सबसे पहले हम लेयर को नीचे कर लेते हैं, इमेज से लेयर नीचे हो गया। अब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये बैकग्राउंड में फिल होगा। तो ये है लेयर का कमाल। अब लेयर फोटोशॉप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको लेयर में एक वीडियो में बताऊंगा कि आप लेयर का यूज कैसे कर सकते हैं। लेयर अगर आपको समझ में आ गया तो फोटोशॉप में आप समझ लीजिए कि एक्सपर्ट हो गए। तो अभी आप टूल के बारे में जान लीजिए। अगर आप टूल के बारे में नहीं जानिएगा तो आपको लेयर पे काम क्या करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपको टूल बता रहा हूँ, टूल बताने के बाद मैं आपको लेयर के बारे में बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऊपर में यहाँ पर टैब है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक मैं आपके लिए लाऊंगा, जिससे आपको और भी कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिले। तो आशा है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा और भी लोगों को हो सके। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रश के बारे में बताऊंगा। ये ब्रश एक नॉर्मल टूल लग रहा है कि ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, इसे हम ब्रश कर सकते हैं और पेंसिल मतलब पेंसिल जैसे होता है पेंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत सारा काम है। मैं आपको सबसे लंबा वीडियो यहाँ पर ब्रश का ही बनेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।